हेलो एवरीवन, आंजनेयास किचन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे तीखा, चटपटा और मसालेदार मिर्चों का अचार, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और सबसे कम तेल में बनाया हुआ अचार है। इसके लिए मैंने यहाँ थोड़ी सी मोटी और लंबी मिर्चें ली हैं। मिर्चों को मैंने रात में ही धोकर रख दिया था, जिससे ये ड्राई हो जाएँ, इनका सारा पानी सूख जाए। आप इन्हें धोकर धूप में भी सुखा सकते हैं या पंखे में भी 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। मैंने इन्हें गोल गोल इस तरीके से कट किया है और डंठल को कट करके फेंक दिया है। आप चाहें तो लंबा लंबा भी इन्हें कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज इन्हें गोल कट किया है। देखिए, सारी मिर्चें कट हो चुकी हैं। अब हम अचार के लिए मसाला बनाएंगे। मसालों में मैंने 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच राई और 1 चम्मच मेथी का यूज़ किया है। मेथी मैंने कम ली है, जिससे अचार में कड़वापन ना आए। ज़्यादा मेथी का यूज़ अचार में कड़वापन ला देता है। और साथ ही मैंने 2 चम्मच पीली सरसों यूज़ की है। पीली सरसों आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको हम 1-2 मिनट के लिए धीरे धीरे भून लेंगे धीमी आंच पर। और साथ में मैंने यहाँ हमारा अचार का फ्लेवर है और अच्छा है, टेस्ट और अच्छा हो जाए, इसके लिए मैंने अजवाइन यूज़ की है 1.5 चम्मच। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मसालों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने मसाले मिक्सी के जार में डाल दिए हैं और इनको थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लेंगे। देखिए, मसाले जो है कितने थोड़े मोटे और दरदरे ही अच्छे लगते हैं अचार में। और आप देखेंगे कि अचार का मसाला थोड़ा सा मोटा ही पीस कर तैयार हुआ है, एकदम थोड़ा दरदरा इस तरह से। मसाला पीसने के बाद अब हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे। सरसों का तेल मैंने यहाँ 200 ग्राम लिया है। सरसों के तेल को गर्म करके हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम तेल को यूज़ करें। अब हम मिर्चों में मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने यहाँ 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। नमक मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा डाला है, 1.5 चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिएगा। और अब मैंने यहाँ अमचूर पाउडर डाला है 1 चम्मच, जिससे कि हमारे अचार का टेस्ट और अच्छा हो जाए। साथ में मैंने 1/2 चम्मच हींग डाली है अचार में अच्छी खुशबू के लिए। और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, जिससे कि अचार का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा है। और जो मसाले हमने मिक्सी में पीसे थे, वो सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। सारे मसाले डालने के बाद अब हमने इनमें जो तेल गरम किया था, उस तेल को डाल दिया है। और डालने के बाद अब हम इन मसालों को अच्छे से मिलाएंगे। मसाले हमें अच्छी तरह से मिलाने हैं, जिससे कि अचार ज़्यादा दिनों तक चले और हर तरफ अचार का मसाला मिक्स हो जाए और अचार का टेस्ट अच्छा आए। और लास्ट में हमने मिलाया है यहाँ 1/2 नींबू, जिससे कि अचार का जो टेस्ट है वो और दोगुना हो जाए। अचार के टेस्ट के लिए हमने अमचूर भी मिलाया था, लेकिन और ज़्यादा टेस्ट बनाने के लिए यहाँ नींबू का रस डाला है। और नींबू का रस अचार को ज़्यादा दिनों तक भी टिकाता है, इससे अचार जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। आप चाहें तो सिरका का यूज़ कर सकते हैं नींबू की जगह। आप इसमें 3 चम्मच सिरका डाल सकते हैं। देखिए, अचार बिल्कुल बन चुका है। अब हम एक सूखा हुआ कंटेनर लेंगे। कंटेनर बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी नमी ना हो, नमी हमारे अचार को ख़राब करती है। मैंने इस कंटेनर में सारा अचार भर दिया है। आपको मेरी ये मिर्च की रेसिपी अच्छी लगी हो, आप अचार मेरा पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए अचार कितना एकदम टेस्टी और बढ़िया बना है। आप इसे 1-2 दिन ऐसे ही रख कर उसके बाद यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा हर महीने भी डाल सकते हैं।